बटन दबाने का समय नजदीक आ गया है, घंटों में चल रहा है अब तो सौरव मित्र को लोग रानिया स्वामी। मेरे साथ रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी सौरव मित्र कंबोज हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का सिर्फ एक दिन बचा है और प्रचार का जो है 4 तारीख आखिरी दिन है, बटन दबाने का दिन जो है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है और ऐसे में आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार जो है वो थमने वाला है। और सौरव मित्र का चुनाव कहाँ खड़ा है, कितनी मजबूती और मिली है, कई बड़े लीडर रानिया में आए हैं, कैसा माहौल बना है, परिवर्तन कुछ हुआ है? बहुत परिवर्तन है, आप जनता से जाके पूछो कि अब कांग्रेस टॉप पे है। पिछले एक हफ्ते में चुनाव पूरा पलट गया है। कैसे हुआ ये जादू? लोग ना बहुत अवेयर हो गए, लोग बहुत जागरूक हो गए, लोगों को पता चल गया है कि भाई जो पहले थे, जिनको पहले मौका दिया उन्होंने कुछ नहीं किया इस हलके के लिए। बदलाव का समय, पूरा हरियाणा बदलाव की तरफ देख रहा है, हरियाणा में सरकार आ रही है कांग्रेस की। लोग कहते हैं कि हम क्यों पीछे रहे, हम भी साथ देंगे, हम भी सरकार में हिस्सेदारी करेंगे, क्योंकि काम चाहिए। इस हलके में विकास नहीं हुआ, किसी ने करवाया नहीं है, अब उनको काम चाहिए, विकास चाहिए, इसलिए ये सब मामला पलट गया। कांग्रेस टॉपर है और अगले एक दो दिनों में देखेंगे पूरी आंधी यहाँ पर भी आने वाली, जैसी पूरे हरियाणा में। आपके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वो राजनीतिक घरानों से आते हैं और बड़ा किसी हर मामले में आपसे आगे होंगे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ हो सकता है? लोगों को समझ आ गया है कि लोगों को परिवार नहीं चाहिए, लोगों को किरदार चाहिए। वो किरदार देख रहे हैं कि कौन उनके काम आएगा, किसको बड़ी आसानी से पकड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। भाई उन चौधरियों को आप आसानी से बोल सकते हैं क्या? उनको पकड़ सकते हैं? बाजू पकड़ भी नहीं सकते। पकड़ेंगे तो ऐसा देखेंगे टेढ़ा टेढ़ा वो आपकी तरफ, और उनका मूड क्या होता है ये आपको पता ही है। तो भाई उनसे निजात पाना चाहते हैं ये लोग। लोग चाहते हैं कि हमारे जैसा ही बंदा हो यार, जिसको बात कह दें आसानी से और काम भी करवाए, जिसको बोलना भी आता हो, ना सिर्फ खाली चुनकर भेजना है, जिसको बोलना भी आता हो। इस वजह से लोग जो हैं वो बड़ा भरोसा करते हैं। बटन दबाने का समय नज़दीक आ गया है, घंटों में चल रहा है अब तो सौरव मित्र को लोग रानिया के वोट क्यों दें, रानिया के लोग सौरव मित्र को वोट क्यों डालें? अपील, लोग इसलिए वोट डालेंगे क्योंकि लोग ना इनसे थक चुके हैं, पक चुके हैं, ठगा ठगा सा महसूस कर रहे हैं, इसलिए लोग ना अब विकास चाहते हैं। यहाँ बहुत सारे मसले हैं, नशा सबसे बड़ा मसला है, हमने नशे को दूर करना है, सब डिवीज़न बनाना है, हर खेत तक घग्गर का पानी पहुँचाना है, स्कूलों को अपग्रेड करना है, ना कि बंद करना है, पीने वाला पानी नहीं है कई सारे गाँवों में, वो सब ठीक करना है, रोड ठीक करने हैं, रोड कनेक्टिविटी ठीक करनी है, गग्गर को जो है वो अच्छी लेक बनाना है, टूरिज्म लेकर आना है, ये बहुत सारे प्लान मैं लेके आया हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है। भाई कोई विजन के साथ आया तो आप क्या देखते हैं कि जो नेता आते हैं ना वैसे ही 5 साल बाद आ जाते हैं और चुनाव लड़ लेते हैं, कोई विजन होता ही नहीं उनके पास। ये जो मेरे सामने हैं दो नेता, विजन क्या है इनके पास? कोई विजन है? कोई विजन नहीं है। मैं तो विजन लेके सामने एक है, उन्होंने कहा है कि मैंने करोड़ों, 1000 करोड़ लगभग बता रहे हैं, 900 करोड़ बता रहे हैं कि काम किया है। कोई मुझे तो दिखाई देता नहीं, मैं तो हिसाब मांग रहा हूँ और मैं तो सरेआम बोल रहा हूँ उनको कि आइए एक डिबेट करते हैं। जितने भी कैंडिडेट हैं मैं सभी को इनवाइट करता हूँ कि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे आप सभी इकट्ठे होते हैं, लोग भी आपके सामने होंगे, मीडिया भी आपके सामने होगा, तो वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, कौन क्या जानता है रानिया के बारे में, किसने रानिया के मुद्दे उठाए हैं, कौन रानिया के लिए रोड मैप लेके आया, विजन लेके आया, वो सब क्लियर हो जाएगा। हाइप के लिए और क्या कर रहे हो, कल आखिरी दिन है प्रचार का, कैसे प्रोग्राम रहेगा कल का? जनता ना बहुत कमाल करने वाली, कल बहुत कुछ होने वाला है। इतना मामला पड़ा जाना कि एक तरफा माहौल आखिरी दिन में, चुनाव के आखिरी दिन में एक तरफा माहौल जो है वो आप देखने को मिलेगा, यानी बड़े मार्जिन के साथ कांग्रेस की सीट जीतने जा रही है। इनेलो कह रही है सरकार बनाएंगे, बीजेपी तीसरी बार आने का दावा कर रही है, आप कह रहे हो कांग्रेस की लहर है, कैसे देखते हो? इनेलो की सरकार कैसे बनेगी? मुझे बड़ा वो हंसी आती है जब इनेलो के नेता कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, भाई सीट तो एक भी नहीं आनी। हाँ बताओ, सीट एक नहीं आ रही और कहते हम सरकार बनाएंगे, मतलब वो सोचते हैं कि लोग तो बेवकूफ़ हैं, जो बोलेंगे वो समझ जाएंगे। लोग बड़े सयाने हैं भाई, आपकी सीट एक नहीं रही, सरकार कैसे बना लेंगे आप? आपका पर्दाफाश हो गया कि आप बीजेपी की बी टीम हैं, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, सब सामने है। और बीजेपी तो ऐसी तसल्ली करवाने वाले लोग हैं, मेरे को लगता है कि दहाई तक का आंकड़ा थोड़ा बहुत ऊपर इतना तक जाएगी, इससे ज्यादा बीजेपी की सीट नहीं आने वाली। और कांग्रेस की कितनी मांग है? कांग्रेस 70+ मुझे लग रही है, 70+। अभी जो लहर, अभी जो माहौल है पूरे हरियाणा में, मुझे ऐसा लगता है कि 70+ सीटें वो कांग्रेस की आने वाली। जब इतना बड़ा माइंडेड आता है तो कई बड़े नेता हार जाते हैं, ऐसा भी आपको हरियाणा में लग रहा है बड़े नेता हार रहे हैं? बीजेपी के कई मंत्री आ रहे हैं इसमें, देखिएगा। मैंने पिछली बार ही एक प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी के 7-8 मंत्री हारेंगे, तो वो हार रहे हैं। मुख्यमंत्री भी हार सकता है, मुख्यमंत्री की हालत भी पतली सुन रहे हैं वहां से,
तो बड़े बड़े चेहरे जो हैं बीजेपी के, वो धुरंधर जो हैं वो हारने जा रहे हैं, इस पर देखेंगे आप चुनाव। थैंक यू बातचीत के लिए, शुक्रिया। तो ये मेरे साथ सर्वमित्र कंबोज थे, जिन्होंने कहा कि पब्लिक जो है, लोग जो है वो जागरूक हो चुके हैं, इस बार वो मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि पूरे हरियाणा में आज के समय में कांग्रेस की लहर है और रानिया के लोग भी जो है सरकार के साथ चलना चाहते हैं, इसलिए वो उनको वोट दे रहे हैं। इस बार किसी और तरह की राजनीति के बजाय सिर्फ मुद्दों की राजनीति होगी और विकास की राजनीति होगी। और उन्होंने ई समाचार पर वो मुद्दे भी रखे और वो विजन भी अपना उन्होंने रखा है। आप ये वीडियो ई समाचार पर देख रहे हो, मैं हूं एलडी स्वामी, धन्यवाद।